सिंगरौली में पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने एक बार फिर पृथक विंध्य प्रदेश बनाए जाने की मांग की है। तिवारी ने कहा है कि उनका अब बचा हुआ जीवन विंध्य के लिए समर्पित है, हमें हमारा विंध्य वापस चाहिए और हम इसके लिए हर प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने चितरंगी बनगवा में पृथक विंध्य प्रदेश बनाए जाने को लेकर स्मिता यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे विंध्य की जनता जाग रही है, ये लड़ाई कोई राजनीतिक नहीं है, ये लड़ाई जनता की है, विंध्य के युवाओं की है, विंध्य हमारा था और इसे लेकर रहेंगे। इस कार्यक्रम को सपाक्स पार्टी के प्रदेश सह सचिव और जन स्मिता यात्रा के नेता जितेंद्र द्विवेदी ने भी समर्थन दिया। जितेंद्र द्विवेदी ने कहा कि विंध्य के युवा बेरोजगार हैं और विंध्य का पैसा दिल्ली, इंदौर, भोपाल जा रहा है। उन्होंने कहा, सिंगरौली अकेले पूरे विंध्य को पालने के लिए सक्षम है, हम विंध्य को एक अलग प्रदेश के रूप में बनाएंगे। और ऐसे में हमारे विंध्य को छला गया और अब हम अपनी स्वयं की सरकार बनाएंगे, हम यहाँ के लोगों की जन कल्याण करेंगे और जो चीज़ें वंचित रह गई है उसको हम इससे पूरा स्थापित रो रहे हैं। उन सब कुछ लूट गया, उनके पास कुछ बचा नहीं और यहाँ कोई आप जनाबाद नहीं बना रहे हैं। वोट के चक्कर में, चापलूसी के चक्कर में विस्थापकों के लिए जो भी नेता आता है यहाँ आता है और ऐश आराम करके चला जाता है। विस्थापकों के नाम पर, आंदोलन के नाम पर तमाम तरह के यहाँ लोग छलता है। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट LNCTU.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।